नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। व्यू फीड के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। दुनिया में फैला रहस्यमय फंगस 90 दिनों में ले लेता है जान, देखेंगे रिपोर्ट। दुनिया में इन दिनों एक रहस्यमय फंगस लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। चिंता की बात तो ये है, ना तो इस फंगस का कोई इलाज है और ना ही मनुष्य की मौत के बाद ये नष्ट हो रहा है, बल्कि एक मनुष्य के शरीर से ये दूसरे शरीर में फैल रहा है। इस खतरनाक फंगस का नाम है कैंडिडा ऑरिस। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कैंडिडा ऑरिस फंगस की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये फंगस उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मई माह में कैंडिडा ऑरिस का पहला मरीज ब्रुकलिन में मिला था और ये माउंट सिनाई हॉस्पिटल फॉर एब्डोमिनल सर्जरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति भर्ती हुआ, जिनके ब्लड टेस्ट में ये बात पता लगी कि वह एक रहस्यमय फंगस से पीड़ित है। गरीबों को 10% आरक्षण पर 2 मई को होगी सुनवाई, देखेंगे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले में 2 मई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई, जिस पर सोमवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई है। जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने बताया कि वे रेलवे पहले 10% आरक्षण के आधार पर नौकरियों के लिए विज्ञापन दे चुका है। याचिकाकर्ता में एक और से पेश हुआ कि वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि अगर 10% आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां की गई तो बाद में इसे बदलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान संशोधन में इस तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती और कोर्ट पहले ही 2 बार इसे मना कर चुका है। 27 साल बड़े सलमान खान के साथ जोड़ी बनाए जाने पर ट्रोल हुई आलिया भट्ट, तोड़ी चुप्पी, देखेंगे रिपोर्ट। आलिया भट्ट और सलमान खान इन दिनों अपने करियर के चरम पर हैं। सलमान और आलिया बैक टू बैक फिल्मों में काम कर रहे हैं। सलमान खान जल्द ही अपने आने वाली फिल्म भारत में नजर आने वाले हैं और आने वाले साल में उनकी 3 बड़ी फिल्में आएंगी। आलिया भट्ट के पास कलंक और ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्में हैं। इस बीच सलमान और आलिया एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह एक प्रेम कहानी है। कुछ समय पहले सलमान खान और आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट से साथ में फिल्म करने की जानकारी दी थी। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने दोनों एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने कहा कि दोनों के बीच उम्र का इतना गैप है, इसलिए ये जोड़ी ठीक नहीं रहेगी। आलिया भट्ट ने हाल ही में पिंक विला को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात की। आलिया ने कहा कि सलमान के साथ उनकी जोड़ी बनाए जाने पर कोई आलोचना नहीं हुई है। आलिया ने इस बात का जिक्र भी किया कि सलमान और संजय लीला भंसाली को मिल रही आलोचना से परेशान ना हुए। ब्रेल लारा को पृथ्वी शो में दिखती है विस्फोटक बल्लेबाज की झलक, देखिए रिपोर्ट। 19 साल के युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की प्रतिभा पर लगातार चर्चा हो रही है। भारत में उनके प्रशंसक करोड़ों में हैं। अब इन प्रशंसकों में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रेन लारा का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें मुंबई के इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी शैली में वीरेंद्र सहवाग की झलक नजर आती है। पृथ्वी शॉ IPL में दिल्ली की टीम में खेलते हैं। वीरेंद्र सहवाग की तरह पृथ्वी शॉ भी गेंद को कट करने में माहिर है और उनकी शॉर्ट आर्म पुल में पूरी तरह से नजफगढ़ के नवाब की छवि नजर आती है। खेल में महानतम खिलाड़ियों में एक लारा ने युवा पृथ्वी की जमकर तारीफ की। पृथ्वी शॉ इस लीग में मौजूदा सीजन में 6 मैचों में 28.16 की औसत से 159 रन बना चुके हैं। अब रेडमी गो को खरीद पाना हुआ आसान, कंपनी ने ओपन सेल की घोषणा, देखेंगे रिपोर्ट। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने सब ब्रांड रेडमी के कुछ ही समय पहले एक सस्ता फोन लॉन्च किया। इस फोन का नाम था रेडमी गो। इस फोन को ओपन सेल में उपलब्ध करा दिया गया है। अब से रेडमी गो को mi.com, Flipkart और मी होम स्टोर से खरीदा जा सकेगा। ये फोन 20 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये कंपनी का पहला फोन है जो एंड्रॉयड गो एडिशन पर काम करता है। मार्केट में इस फोन की सीधी टक्कर सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर और नोकिया 1 से हुई है। इस फोन को 4,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। ये करीब 1GB रैम और 8GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है। इस ब्लैक और ब्लू कलर वेरिएंट में इसे उपलब्ध कराया गया है। इसे ओपन सेल में उपलब्ध कराने की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी है। फ्लिपकार्ट पर ये फोन एक्सचेंज ऑफर पर 5% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है।
तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरी यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रिव्यू फीड न्यूज बुलेटिन सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को। धन्यवाद।